लैपटॉप मिल तो नहीं मिल रहा है ना, देखते हैं अभी मायरा का फॉर्मूला जो है वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट सर्व कर रहे हैं। और ये जो सामने अपार्टमेंट आप, अच्छा ये जो जिम देख रहे हैं इसमें अभिनव को रजिस्टर कर देंगे, और ये जो अपार्टमेंट है इसमें हम लोग मूव हो जाएंगे। वाओ, मम्मी का एकदम योगा चल रहा है हल्की धूप में, बहुत रेगुलर नहीं है बट कोशिश करती है। मौका मिल गया तो बैठ गए, नहीं मिला तो छोड़ दिया। पापा टहलने गए हैं क्या? हाँ। तो मम्मी पापा अपने रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए। तो बताइए कि इतना टेस्टी खाना बना के खुद खाने में और खिलाने में कैसा महसूस होता है? बच्चों को खिलाने में, खास करके छोटे दामाद जी के पसंद का सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब्जी, और बेटी के पसंद का भुजिया का खीर, हाँ, और गुड़ का खीर भी, रसिया, एक एक चीज में स्वाद है। और ये टीवी अभी घर का ख़राब हो गया है, मेरे से इसका डिस्प्ले कार्ड उड़ गया, यूट्यूब चला रहे थे, कास्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, और ये इररिपेरेबल है, अब न्यू टीवी चाहिए। छः महीने से बड़ी है और मायरा बात कर रही है अपनी कजिन छोटी बहन से, वो भी देख रही है अभी देखता और कजिन भैया से, भैया और छोटी बहन। टेस्ट एकदम अचंभा आता है। तो मटन हम नहीं खाते हैं, बट आज चंपारण खाने के बाद फ्रॉम नाउ ऑन आई विल से कि हम मटन नहीं खाते हैं एक्सेप्ट चंपारण मीट। No doubt they are so famous. हाँ, but मेरे जैसा नकली आदमी देखो कितना ग्रेवी छोड़ दिए हैं। Seriously, वो ग्रेवी अमृत के हिसाब समान है, उसको बर्बाद कर रही है। और यहाँ सो रही है मायरा। Although यहाँ पे सोना बच्चे का काफी मुश्किल है, जिसको देखो हॉर्न बजाता रहता है, पी 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 पी, बाप रे बाप। अपार्टमेंट कैंपस के अंदर भी पी पी बजा रहे हैं। तो वो जो आप किराना का दुकान देख रहे हैं ना, हाँ। वहाँ पर जो है मेरे घर का सारा किराना आता था, मंथली सामान विथ वन मिल्क बिकीज बिस्किट। और ये मतलब जब से हम होस्ट संभाले हैं तब से, बेसिकली इस एरिया में हम लोग तब रहते थे जब व्हेन आई वाज लाइक 0 years old, काइंड ऑफ। नाइस, अच्छा मार्केट है। हाँ, क्या नाम है मार्केट का? रामनगरी शोलून। तो ये जो है यहाँ पे मार्केट शुरू होता है रामनगरी का, बेसिकली ये पूछ है, तो मार्केट जब वहाँ भर गया तब इधर धीरे धीरे दुकान खोल लिया। और यहाँ से अगला 1 किलोमीटर जो है आपको मार्केट मिलता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हम लोग रुके हैं एंड नाउ वी आर हियर एट मोमोज मार्ट। ये हमारा पहला प्लेट आया है फ्राइड मोमोज का, आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये चटनी और मेयोनीज के साथ। अरे अरे लड़का, गरम होगा, कैसे खा गए पूरा, मुझला दिया। बढ़िया, ज्यादा गरम नहीं है। बताया जाए, बहुत ही बढ़िया। ये स्टीम वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लगा फ्राइड वाले के कंपैरिजन में। सही में गरम है बहुत। ये है पूजा का दुकान, सारा पूजा का आइटम इंक्लूडिंग शादी। ये हमारा सब्जी मार्केट शुरू हो रहा है यहाँ से। ये देखिए एकदम प्रॉपर ये है
ये हमारे असली देसी रैपर आए, वायरल हो जाएगा। और ये सब्जी और फलों का मार्केट लंबा चलता है एकदम, ये अभी चलता ही जाएगा। ये जो गली है यही वो लकी जगह है जहाँ पे मेरे 10th का रिजल्ट मेरे को पता चला था, 10th बोर्ड्स, और यही वो अनलकी जगह है जहाँ पे मेरे को अपने 12th बोर्ड्स का रिजल्ट भी पता चला था। तो ये जो मंदिर है ये भी हम जब से होश संभाले हैं बेसिकली तब से है यहाँ पे। जब हम बहुत छोटे थे तो ओरिजिनली मंदिर बस वो था, दैट वॉज इट। ये पूरा मंदिर धीरे 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 करके बनता गया। यहाँ पे हर शाम जमघट लगती है लोगों की आरती वारती के लिए और सोशलाइजिंग के लिए। वो रहे शिव भगवान और दुर्गा जी में बैठा, और वो अंदर में जो आपको पिंडियां दिख रही हैं वो नौ देवी का रूप है विद शिव जी। देख रहे सबसे पहला वाला, इसमें हम मम्मी को गिफ्ट खरीद के दिए थे, फाउंडेशन, पहला हमारे परचेज फाउंडेशन का। और इस गली में बहुत गया, और दिखाते हैं एक बार तो देख लो। रमन मार्केट, काफी सारी दुकानें नई बन गई हैं। एक स्टूडियो हुआ करता था जहाँ पे हमारा पहला याशिका का जो कैमरा आया था उसकी फोटो बने थे। मायरा आपको चूड़ी चाहिए क्या? और इस मार्केट में हम लोग कितना घूमे हैं बचपन से गिनती ही नहीं है। आपकी हर डिमांड क्या चाहिए आपको वो पूरा हो जाएगा। घर, टीवी, एसी, चूड़ी, लहठी, बिंदी, ज्वेलरी, मेडिसिन, हॉस्पिटल, सब है यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं बरिस्ता, ठीक है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो गली है, इस गली में मेरा ब्राइडल मेकअप हुआ था। माय माय माय। और अभी हम लोग बरिस्ता में बैठे हैं और मेरे को वो चिप्स दिखाया जो हम शार्क टैंक में देखे थे। दो लड़के आए थे टैग्स बोल के, हैशटैग करके टैग्स, वो टैग्स या ऑल्दो उस एपिसोड में दे डिडंट विन, यू नो, कि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट मिले, बट हियर दे आर। ये मायरा, हेलो। And after a long time, a good cappuccino, coffee, double, triple chocolate loaded fudge cake. It is actually much needed. Much needed. Delhi land करने के बाद airport पे Costa पीने के बाद अभी सबसे अच्छा coffee पी ले। वैसे दिवाली हम लोगों को काफी coffee बना के पिलाई, वो भी अच्छा था। वो homemade वाला effect है। Homemade वाला, मतलब obviously it was good, but थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ गया है, देखिए सर। मायरा रोने लगी तो अब उसको वापस से लटका के डांस करना पड़ रहा है। हाँ आई नो। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, यहाँ पर लंदन बोरो मार्केट का ही वीडियो चल रहा है, कोई ब्लॉगर का ब्लॉगिंग इंडियन भी मिलता है यहाँ पे, एक बिरयानी और का दुकान भी है, छोटा सा कबाब वगैरह, बिरयानी, अच्छा, और भी कबाब का भी होगा, प्लस यहाँ पे एक आइसक्रीम का बहुत अच्छा दुकान है। यश के साथ हम गए, यश इज माय स्वतन, अभिनव्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये ही वो जगह है जहाँ से हम वो सलवार सूट खरीदे थे जिसको पहन के तुमसे पहली बार मिले थे। God damn it! और ये जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं मार्केट, वहाँ पर एक गिफ्ट शॉप हुआ करता था जहाँ से हमेशा हम लोग मम्मी के लिए गिफ्ट खरीदते थे, बर्थडे गिफ्ट, और अंदर जाकर मेरा बॉयकट बाल कटाता था जब हम क्लास 4-5 में थे।
समझे बेटा, आप बॉय कट बाल मत कटा लेना। और अब हम लोग चल रहे हैं रोल की तलाश में। वैसे तो अभी तक 3-4 रोल की दुकानें दिख गई हैं। प्लान ये बना है, प्लान ये बना है कि हम लोग डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इंडिया का डोमिनोज पिज्जा का टेस्ट इज फार फार बेटर देन यूके का डोमिनोज पिज्जा। आई थिंक वेज लोडेड कहलाता था, वेज और नॉनवेज भी यहाँ का, उसमें ऑरिगेनो ऊपर से और चिली फ्लेक्स कहाँ यूके में मिलता है। और एक टेस्टर के रूप में हम लोग एक रोल खाएंगे अभी, है ना? समझे बेटा, यहाँ पर जो बिल्डिंग है जो दिखाई नहीं देगा क्योंकि काफी अंधेरा है, बट ये जो बिल्डिंग है ये भोला पासवान कहलाता है। I guess. इस बिल्डिंग का नाम क्या है? भोला पासवान ना, हाँ। क्या है स्टोरी इस बिल्डिंग का? स्टोरी बहुत खत्म है। लालू जी बनवाए थे या पासवान जी? नहीं, लालू जी बनवाए थे। हाँ तो भाई जो लालू जी बनवाए थे ये गरीबों के लिए, और 1994 में बनाए। हाँ 1994 में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, और यहाँ से बहुत सारे हाउस हेल्प हम लोगों को मिले हैं बचपन से अभी तक में, और बहुत लोगों को घर मिला है। ऑफ कोर्स हम गए भी हैं इसमें एक बार, मेरी एक घर में 20 आदमी रह रहा है, 15 आदमी रह रहा है एक घर में, 20 आदमी 15 आदमी रह रहा है, मजबूरी के कारण से रह रहे हैं। शकुंतला यहीं से आती हैं, और एक मीना माए हम लोग बोल के थी, वो पहले काम करती थी, सप्ताही के काम जाते करता है। हाँ वो भी यहीं रहती थी, हम लोग उनके यहाँ सवाई खाने आए थे एक बार ईद में। बचपन का हनुमान मंदिर, ये मेरे फेवरेट भगवान भी है हनुमान जी, और आज शनिवार भी है। जिसकी पूजा ये करता था शक्तिमान के टाइम पे लाइन कटने पर। आजा अंदर आजा। यहाँ पे हम लोग कभी कभी वो क्या बोलते हैं शिव जी का जो अभिषेक होता है, ऋषि अभिषेक क्या बोलते हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर इस शिवलिंग पे। और ये हनुमान मंदिर बहुत पुराने हैं, ऑफ कोर्स हम लोग मतलब छोटे छोटे थे तब से, ये सारी मूर्तियाँ बाद में बनी। जय हनुमान। हाँ आज शनिवार का दिन भी है, भगवान का दर्शन हो गया, बढ़िया कर दो। ये बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब हाँ जो पंडित जी हम लोगों का कुंडली मिलाए विलाए है ना हम लोगों के साइड से, यही पंडित जी, यही इसी मंदिर के पंडित जी हैं। हाँ हाँ तो ये इस मंदिर के जो पंडित जी हैं वो बहुत पुराने हमारे जान पहचान के पंडित जी हैं, हमारे घर का सारा पूजा हवन सब उन्होंने ही किया है, और ये उनके बड़े बेटे हैं जो अब इस मंदिर में रहते हैं। तो ये मंदिर कितने साल से है आपको? करीबन ये मंदिर मेरे जन्म के समय का है। हाँ। और मेरे जन्म से भी पहले का है, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास धीरे धीरे होता गया। हाँ, विकास हाँ, तो आपने देखा। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले ये बहुत छोटा था। हाँ मेरे को याद है छोटा था, बहुत छोटी थी। हाँ। तो धीरे धीरे पहले हनुमान जी और फिर दुर्गा माता काली माता का यहाँ प्रसाद हुआ, और उसके बाद फिर इन दोनों मूर्तियों का हुआ, और बाद में शिवलिंग थे। हाँ, शिवलिंग भी हाँ। करीबन ये मंदिर की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 1986 बढ़िया कॉलोनी है, सेंट्रल एक्साइज कॉलोनी। यहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे जब हम लोग छोटे थे, मतलब हम क्लास नर्सरी में जब थे 3-4 साल के, तब से मिड क्लास सिक्स तक हम इसी कॉलोनी में रहे हैं। हाँ। और इस कॉलोनी का चप्पा चप्पा जानते हैं, ऑल्दो अब तो वो काफी बदल गया होगा, बट इट हैज बीन अ ग्रेट टाइम दैट आई हैव स्पेंड इन दिस कॉलोनी। ये गेट अभी बंद हो गया है, पहले ये गेट पूरा खुला रहता था, और यहाँ साइड से आने जाने के लिए जगह होती थी। और ये जो सामने दुकानें दिख रही हैं इससे हम लोग बहुत सारा छिटपुट सामान खरीदने आते रहते थे। लिटरली हम लाइक आई थिंक 8-9 साल के थे, हम अकेले आते थे आराम से, कभी आलू खरीदना है, कभी टूथब्रश चाहिए, कभी कुछ, कभी छोटी मोटी चीजें खरीदने आते थे। बहुत बड़ी इन जगहों से हम लोग डीवीडी लेकर आते थे भाड़े पर मूवीज देखने के लिए।
देखना है, चलाना है क्या? ये चलाना है क्या? चलाए आज लो, चला ऑन करो। बेबी जॉय जॉय चला गया है। तुमने नहीं चलाया ठीक। कौन सा आया था? हम सब मिल गया, ठंडा मिला। सस्टेनेबिलिटी के लिए जो बेटर है यहाँ पे एकदम कलर जो आप रखो रिसाइकलेबिलिटी में प्रॉब्लम। ओ भाई, वेल ये आया है डोमिनोज। लेट मी सी कि मेरा वेज लोडेड पिज्जा अभी भी वही वेज लोडेड पिज्जा है या नहीं है। सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग। ठंडा हो रहा है, जल्दी जल्दी, जल्दी बंद करो यार। वो मम्मा का चीजी और ये अभिनव का हो गया, हम लोग खा लिया पिज्जा। बस ये पिज्जा खा लिए हम लोग आज। फलाहार। और हम लोग जा रहे हैं आज सिटी सेंटर मॉल पटना में अभिनव के दोस्त से मिलने। ओला आ गया है। बाय बाय। दस साल के बाद। लास्ट टाइम कब मिले थे, कहाँ मिले थे? बैंगलोर में, जब दोनों जॉब कर रहे थे। और कैसा लग रहा है बाप बनने के बाद मिलने पे?